कि गांधी परिवार का ही कांग्रेस का नेता होगा, यादव अखिलेश यादव के परिवार से ही समाजवादी पार्टी का नेता होगा, तेजस्वी यादव के परिवार से ही आरजेडी का नेता होगा, और यहां पे वो कार्यकर्ताओं को ये जगह दे रहे हैं, तो कितना इसका एस्पिरेशनल वैल्यू है? कैसे करेंगी इस नैरेटिव का मुकाबला राधिका जी? दीपक जी, मैं आपका पूरा शुरुआत का हिस्सा देख रही थी, जहां पे आप ये भी बात कर रहे थे कि जातियों को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं, यहाँ पे महज पपेट बिठाए गए हैं जो प्रदेशों को अडानी को बेचने के लिए चुपचाप मोदी जी और शाह साहब की मदद करेंगे। इन लोगों के नाम पे तो वोट मिले नहीं थे, खैर ये उनका अंदरूनी मामला है, ये किसको बनाए, लेकिन ये साफ है ना यहाँ पे जातियों को, जातिगत जनगणना। और मैं अपने नेता के धन्यवाद देती हूँ माननीय श्री राहुल गांधी जी को कि वो जोरदार तरीके से आज भी जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं, जिससे डर कर मजबूर होकर आज उनको कम से कम नाम के लिए ऐसे एक मुख्यमंत्री ओबीसी बनाने पड़े, एक ट्राइबल बनाने पड़े। पर अफसोस, यहाँ पे फिर जो बनाए हैं सिर्फ जैसे मैंने कहा पपेट बनाए हुए हैं। अब आप देखिए मैं क्यों कहती हूँ पपेट, और अडानी साहब को बेचा जाएगा। छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं, छत्तीसगढ़ में क्योंकि ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ, और यहाँ पे वैसे भाजपा के प्रवक्ता वहां पे मीडिया के प्रभारी भी रहे, उम्मीद करती हूँ यहाँ पे ही हमें बता के जाएंगे कि नगर जो प्लांट है क्या उसको अब भारतीय जनता पार्टी, जैसे कांग्रेस की सरकार बीच में खड़ी थी कि आप उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, आप उसको अडानी को नहीं बेच पाएंगे, क्या ये रोकेंगे? क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां की सरकार कहेगी कि नहीं हम उसको लेना चाहेंगे? नहीं, वहां पे बेच दिया जाएगा। और भिलाई की भी तैयारी हो रही है। ठीक उसी तरह आप राजस्थान में देखिए, हर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के तो इनके मुख्यमंत्री के क्या कहने, उन्होंने तो 29 एकड़ अपनी जमीन को उसके अंदर लाने के लिए, हाल ही की खबर है कि उज्जैन का जो हिस्सा था करीबन 800-870 एकड़ जमीन है सिंहस्थ एरिया की, जिसमें से 29 एकड़ अब के जो उनके मुख्यमंत्री बने हैं उनकी जमीन है, जो उनकी बीवी के नाम पे है, उनकी बहन जो सभापति उनके नाम है, और कुछ उनके यहाँ काम करने वाले लोगों के नाम पे है। उसको निवास किसान से उसका लैंड यूज चेंज करके ताकि वहां पे कॉलोनियां कट सके, जबकि यह है कि आए दिन उज्जैन में भक्तों की तादाद बढ़ रही है जिसके लिए वो जमीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको प्लॉटिंग करनी है। तो कुछ महीने पहले ये खबर आई थी और भोपाल के ही अखबार में आई थी, तो आप खुद देखिए कि क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। मैं फिर बोल रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह साहब को किसी जाति की किसी की फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ एकमात्र इंसान की फिक्र है, वो है अडानी, जिसको उन्होंने पूरा देश एक एक करके बेचना है। मैं आपके चैनल पे फिर चैलेंज देती हूँ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि आके बता दे क्या मोदी जी और इनकी सरकार खड़ी होगी नगर को ना बेचने के लिए? हम तो बिल्कुल भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार बीच में खड़ी थी कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। अच्छा, आपने ट्राइबल मुख्यमंत्री तो दे दिया, राधिका क्या वो स्टैंड ले पाएंगे नगर नागर के लिए? और मोदी जी के हाथों कठपुतली नहीं बनेंगे? एक सवाल का जवाब आपसे आज, मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ कि किस दुनिया में रहते हैं आप लोग? 3 राज्य हार चुके हैं और अभी भी अडानी जो है, और आप मुझे बताइए क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी के एक भी प्रोजेक्ट को रद्द किया? क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अडानी के एक भी प्रोजेक्ट को रद्द किया जो बीजेपी शासन में मिला था, और छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिएगा राधिका जी, और फिर आपको जो नैरेटिव बनाना हो कहिएगा। देखिए देखिए, ये जो आपने सवाल बोला, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर व्यक्ति को दिया जाएगा, इस देश में दिया जाएगा हर साल। उसी दुनिया में रह रहे हैं दीपक जी, जहां कहा गया था कि किसानों की आय दुगनी करी जाएगी। आपको मैं चैलेंज देती हूँ, दिखाइए उस दुनिया में, भारत में मुझे एक किसान दिखाइए जिसकी आय दुगनी हुई हो। आप नहीं दिखा पाएंगे और कोई नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हमने ये जरूर देखा कोरोना काल में हमारे किसान लाठियां खा रहे थे और वो 3 काले कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। हम ये भी देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है। हम इसी दुनिया में रह रहे हैं साहब, हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे 9 साल पहले वादा किया गया था पेट्रोल डीजल के दाम 50-40-50 रुपए होंगे। ये भी वादा किया गया था कि पेट्रोल की डॉलर रुपया एक बराबर होगा। क्या है क्या? हम उसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे 3 राज्यों में ये बार बार जो कहते थे कि रेवड़ी 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 के नाम पे इन्होंने 12,000 रुपए अगर वहां महिलाओं को देने का वादा किया और 500 रुपए का सिलेंडर। हम उसी दुनिया में है दीपक जी, जहां पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हर जने को, आपको और हमसे क्या दुश्मनी है, हमें क्यों नहीं 500 रुपए का सिलेंडर दिया जा रहा है? आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नोएडा में, मैं समझती हूँ वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में रहता है। बिल्कुल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे पता है, मेरे ससुराल वही है, मेरी ससुराल वही है राधिका जी। अच्छा, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही है, जनकपुरी हरिनगर में ही है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में देखिए इनकी सरकार है, बगल का ही राज्य है हरियाणा है, क्या वहां पे 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है? ठीक है, क्यों इन सब के, क्यों लोगों के साथ? तो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, आवाज तो उठाई जाएगी।
ठीक ठीक बोला आपने, ठीक बोला, और आपका बोलने का हक भी है। मैं सीधे यहां से अजय आलोक जी के पास चलता हूँ। अजय आलोक जी, अडानी को सब बेचने जा रहे हैं।